अमेठी तिलोई अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तिलोई उनको सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजा मंकेश्वर शरण सिंह के समर्थन में राजभवन तिलोई के पीछे आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गौमाता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को चलने नहीं देंगे और किसानों की फसलों को नष्ट होने नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करना है। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलोई की जनता को इस बात की बधाई देता हूं कि यहां की सांसद और विधायक के प्रयास से तिलोई में मेडिकल कॉलेज मिला, यहां का युवा घर बैठे अब डॉक्टर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास, सुख समृद्धि, लोक कल्याण और जीवन कल्याण, नौजवानों के रोजगार, किसानों के उत्थान और बेटी की सुरक्षा का कोई स्थान नहीं है। सपा बसपा की एक कांग्रेस की राजनीति का आधार सामाजिक ताने बाने की छिन्न भिन्न करना होता था। यूपी में अब भाजपा की सरकार बनी तो बेटियों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गोमाता को कटने नहीं देंगे, बूचड़ खाने को चलने नहीं देंगे। ऐसा कहकर उत्तर प्रदेश में पुनः योगी ने कहा कि गवर्नमेंट बनेगी और सभी से राजा मंकेश्वर सिंह के लिए वोट करने की अपील की। मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार होगा और उसमें पहले सत्र में प्रवेश होगा तो दशकों से आजादी के बाद से जो आपकी एक तमन्ना रही होगी, विकास अमेठी जनपद में भी एक मेडिकल कॉलेज होता तो यहां का युवा भी डॉक्टर बनने के लिए उसे कहीं और कहीं नहीं जाना पड़ेगा बल्कि अपने जनपद में ही डॉक्टर बनने का अवसर प्राप्त होगा। आपके विधायक ने, आपके सांसद ने आपके सपने को साकार कर दिया है। मैं तिलोही की जनता को, अमेठी की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके लिए देता हूं। भाई बहनों, ये मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने एक अलग ही एजेंडे को लेकर चलती है। उनका एजेंडा ही एक अलग है, उसमें विकास की नहीं, सुख और समृद्धि की नहीं, लोक कल्याण का नहीं, गरीब कल्याण का नहीं, नौजवानों के रोजगार का नहीं, किसानों के उत्थान का नहीं और बेटियों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन लोगों ने राजनीति की लेकिन इनकी राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब हुआ कर।